क्रिकबस चैटर पर हमसे सवाल पूछ रहे हैं शाश्वत टंडन। वो कह रहे हैं कि जरा कोहली की कप्तानी के बारे में बात करें। उन्होंने एक ऐसा चरित्र बना दिया है इस टीम का कि अगर वो बल्लेबाजी से नहीं भी कंट्रीब्यूट कर पाते हैं तो जिस तरीके से टीम का मोराल लिफ्ट करते हैं हर चैलेंज के विरुद्ध एज ए स्कीपर, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ज़हीर, कितना सहमत आप इस बात से? देखिए, आप कह सकते हो कि पिछले 5 साल 6 साल या पूरा दशक कह लीजिए, जो एक प्रोसेस फॉलो हुआ है और जिस तरीके का टैलेंट टीम के आसपास है और जिस तरीके के अपने पैरामीटर्स सेट किए हुए अलग अलग चीज के लिए, तो उसका उसका जरूर फायदा इस टीम को हुआ है। उस चीज की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। और जब आप कहते हो ना कि आप कौन से ब्रांड की क्रिकेट खेलना चाहते हो, आप क्या चाहते हो, आप कैसे चाहते हो कि लोग आपके टीम की तरफ देखें या लोग आपको कैसे याद करें, तो मुझे लगता है कि वो एक पहल उस तरफ बहुत अच्छी काफी अरसे से चल रही है। और यही नतीजा है कि आप इस तरीके के मैचेस देख रहे हो, यही नतीजा आप जो इस वक्त देख रहे हो कि टीम कभी हार नहीं मानती। ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। टफ कंडीशंस, अवे कंडीशंस इतने आसान नहीं होते क्रिकेट खेलने के लिए, आपको अडेप्ट करना होता है। और एक एक जो सिस्टम भी शुरू हुआ ना, जहाँ पे 5 गेंदबाज भारतीय टीम जब से खिलाने लग गई, तो उससे भी काफी मैं समझता हूँ फर्क पड़ा है। क्योंकि आप इस तरीके की इंटेंसिटी फिर 5 गेंदबाजों के साथ बेहतर आप अटैक कर सकते हो। एक पॉजिटिव मूव होता है, अटैकिंग अग्रेसिव, आप ज्यादा रह सकते हो, ज्यादा समय के लिए गेम में बने रह सकते हो और आपके पास उतनी विविधता भी आ जाती है गेंदबाजी में, जिससे आप कंडीशंस का ज्यादा फायदा उठा पाओ। तो ये सारे चीजें मिलकर ये कारवा आगे बढ़ाया। इस जीत के साथ कप्तान कोहली एक बड़ी ही उच्च श्रेणी में शुमार हो चुके हैं ज़हीर। अब वो top 5 टेस्ट कैप्टन्स ऑफ ऑल टाइम अगर आप देखें, जीत के साथ 37 जीत है उनकी, उनके आगे सिर्फ स्टीव वॉ, रिकी पॉन्टिंग, ग्रैम स्मिथ जैसे बड़े नाम। तो इस श्रेणी में शुमार होने का मतलब है कि वो जो आप प्रोसेसेस की बात कर रहे थे वो उन्होंने बड़े अच्छे से ले डाउन करे। और कई बार होता है कि कई बार जब आप कुछ प्रोसेसेस लगा देते हैं और वो शुरू में शायद काम नहीं करते, उसके बाद भी उन पर अडिग रहना वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने, मैं क्रिकबस ऐप पर पढ़ रहा हूं, उन्होंने अभी मैच के बाद कहा भी, उन्होंने कहा कि आज बहुत सारी गट फील से मैंने अपने बहुत सारे सोचा मैंने और गट फील से मैंने डिसीजंस लिए। उन्होंने कहा 60 ओवर तक हमको गेंदबाजी करनी थी, वो मेरा गट फील था। और उन्होंने खुद ये बात मानी कि मेरे कुछ गट फील्स गलत भी थे, लेकिन जब तक मेरा गट मेरा साथ दे रहा है मैं उसके साथ जाऊंगा। तो ये दर्शाता है कि ये एक कप्तान है जो अपने अपने डिसीजंस को तो बैक करना जानते ही है, लेकिन अपनी गलतियों को भी अपनाने से चूकते नहीं है। जी बिल्कुल। और गेम को समझना और उस वक्त डिसीजन, जो हम टाइमिंग की बात कर रहे थे ना, जिस तरीके से हमने बात की कि रूट के विकेट की भी टाइमिंग, तो क्रिकेट में टाइमिंग की भी बहुत बहुत अहमियत है। जब हम लंच टाइम में जब हमारे चैटर पे बात कर रहे थे, तो हम भी यही कह रहे थे कि डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि आप रिजल्ट की तरफ मत जाइए। हाँ, उस वक्त अगर देखिए धूप खिली होती, अगर रूट ने अच्छी बल्लेबाजी की होती या इंग्लैंड के अच्छे बल्लेबाजों ने अगर अच्छी तरीके से बल्लेबाजी की होती और ये मैच ड्रॉ भी होता, तो भी देखिए आपको इस मैच से जब आप जाते, तो आपको एक मॉरल विक्ट्री जरूर होती, क्योंकि आप कठिन समय से वापस एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आए थे। हाँ, 60 ओवर का समय तो कम से कम आपको चाहिए, 60-65 ओवर्स अगर आपके पास हो तो आपके पास मौका ज्यादा बन जाता है, क्योंकि 5वें दिन का विकेट उतना आसान नहीं होता। और जैसे जिस प्रेशर की हम बात कर रहे थे, वो आज हमें देखने भी मिला कि जो शॉट मेकिंग पसंद करते खिलाड़ी बटलर, मोइन अली, सैम करन, उनको भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी वहां पर अपने खेल के विपरीत बल्लेबाजी करने में। हाँ, तो टाइमिंग का बहुत महत्व, और आज का जो डिक्लेरेशन का टाइमिंग था वो भी अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता तो डिक्लेरेशन करना, ये डिसीजन वॉज द बेस्ट डिसीजन।